हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस माह के दूसरे सप्ताह तक मैट्रिक का रिजल्ट घोषित कर देगा। वर्तमान में रिजल्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। प्लस टू का अभी तक जियोग्राफी का पेपर होना है। इस परीक्षा के उपरांत लगभग 10 दिन का समय लगेगा, यानी बोर्ड 18 से 20 जून के बाद प्लस टू का रिजल्ट भी घोषित कर देगा। प्लस टू के जियोग्राफी के पेपर के लिए बोर्ड ने प्रदेश भर में 210 सेंटर बनाए हैं तथा परीक्षा 8 जून को संचालित की जानी है। जियोग्राफी की परीक्षा में 3,748 नियमित परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। SOS के 597 स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। SOS की मैट्रिक व प्लस टू की प्रैक्टिकल परीक्षा अभी होनी है, इसके बाद ही SOS स्टूडेंट का परिणाम घोषित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि पिछले वर्ष ने प्लस टू का रिजल्ट अप्रैल माह में घोषित कर दिया गया था, जबकि इस वर्ष COVID-19 के चलते परिणाम घोषित करने में देरी हुई है। अब बोर्ड जून माह में पहले मैट्रिक और उसके बाद प्लस टू का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। रिजल्ट तैयार करने का कार्य जोरों पर है। पिछले वर्ष हमने जो रिजल्ट दिए थे वो अप्रैल माह में दे दिए थे। 22 अप्रैल को प्लस टू का रिजल्ट दे दिया था और 29 अप्रैल को प्लस टू का मैट्रिक का रिजल्ट दे दिया था। अभी COVID-19 के चलते लॉकडाउन हुआ तो सामान्यतः गतिविधियां नहीं हो पाई और बाद में ये कार्य प्रारंभ हुआ पेपर देखने का भी, और अभी रिजल्ट कंपाइलेशन का कार्य हो रहा है। तो मुझे आशा है कि हम इसी महीने, ये अभी जो दूसरा हफ्ता है, दूसरे हफ्ते तक मैट्रिक का रिजल्ट दे देंगे। और प्लस टू का रिजल्ट के लिए अभी एक पेपर होना है, ज्योग्राफी का पेपर होना है। तो ज्योग्राफी के पेपर को करने के बाद को 10 दिन का समय लगेगा, तो 18 तारीख के बाद हम या 20 तारीख के बाद प्लस टू का रिजल्ट दे पाएंगे। जहाँ तक संख्या की बात आपने पूछी कि कितनी संख्या में छात्र प्लस टू में अपीयर हुए हैं, प्लस वन के छात्रों की संख्या 1,04,348 है जो रेगुलर छात्र हैं, और SOS में 10,599 है। प्लस टू में 86,647 छात्र हैं, SOS में 15,101 हैं, और मिडल के एग्जाम में SOS के जो विद्यार्थी हैं 399 हैं। ज्योग्राफी का पेपर अभी होना है प्लस टू का, तो ज्योग्राफी के पेपर में हमने 210 सेंटर बनाए हैं और ये एग्जाम 8 तारीख को यानी 8 जून को होना है। इसमें जो रेगुलर छात्र हैं 3,748 अपीयर हो रहे हैं, और SOS के छात्र जो 93 सेंटर उनके लिए क्रिएट किए गए हैं वहाँ अपीयर होंगे, ऐसे ये 587 छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं। तो इनके लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एग्जाम को कंडक्ट कर पाएंगे। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि अभी दो पेपर और रहते थे, वो ऑप्शनल पेपर थे, कंप्यूटर IP का पेपर जिसमें कि 30,000 के करीब छात्र थे, और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के, विभिन्न वोकेशनल सब्जेक्ट्स में 17,000 के करीब छात्र हैं, जो थोड़े ज़्यादा हैं। उन सारे पेपरों को हम नहीं कर पाएंगे, इन दोनों पेपरों को, क्योंकि इसमें संख्या ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को हम अडहेयर नहीं कर सकते। इसलिए स्कीम ऑफ स्टडी में जो 5 पेपर होते हैं उसमें 4 हो गए हैं, ये 5वां पेपर है वो ऑप्शनल पेपर, इसको हम किसी को भी इसकी मार्किंग नहीं करा रहे हैं। तो इसमें हमने एक फार्मूला बनाया अंक देने का, बहुत ही बेहतर है, यानी बच्चे को जो हाईएस्ट मार्क्स इसमें हम देंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की है।